कैसा रहा स्कूल आज? हम बहुत बढ़िया रहा मैं अच्छा रहा। क्या चल रहा बायो में? मैम। बायो में रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म कर दिया, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट किया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इतनी जल्दी कैसे भाग रहे हैं ये? हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ अभी। बाकी होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म भी हो गया? यस मैम, हमारे स्कूल काफी जल्दी लग गए थे ना। अच्छा कब लगे थे? 10th को, 10th या 9th को शायद। अप्रैल? यस मैम। ओके तेज पढ़ाते हैं स्कूल में। कितने घंटे की क्लास होती है मैम? 1 आवर की, 1.5 आवर की। तेज पढ़ाते हैं क्या? नो मैम, सर ना कई बार, क्योंकि सर ने ना चले जाने स्कूल से ना, ट्रांसफर हो जाएगी सर की ना, तो सर कहते जितने मैक्सिमम चैप्टर मेरे से हो जाएंगे मैं कवर करवा दूंगा। फिर सर ना मॉर्निंग में असेंबली टाइम में केवल क्लास ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, वो उनका इंटेंशन है कंप्लीट कराने का ना। यस मैम। ओके अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, समझ आ गया। मेक मेक पॉइंट। ओके कोई बात नहीं, चलो अटेंडेंस कर ली एक बार फटाफट। चलिए यो मैम। गुंजन? यो मैम। प्रेजेंट मैम। मुस्कान? प्रेजेंट मैम। मुस्कान? पल्लवी? यस मैम। रोहिना? तमन्ना? आकृति? प्रेजेंट मैम। सेल्जा? हर्ष? प्रेजेंट मैम। भूमिका? यस मैम। वंशिका? यस मैम। स्वाति प्राचो? प्रेजेंट मैम। महक? तान्या? ये यस किसने बोला, महक या तान्या? यस मैम। कौन, महक या तान्या? तान्या। प्रीति? प्रेजेंट मैम। अगुन? प्रेजेंट मैम। कृतिका? प्रेजेंट मैम। आयुषी? प्रेजेंट मैम। अंशी? प्रेजेंट मैम। अंशिका? प्रेजेंट मैम। सुमरन देवी? अक्षिता? यस मैम। आंचल? प्रेजेंट मैम। महक? यस मैम। हिमानी? यस मैम। दीक्षित? यस मैम। मानसी? यस मैम। सारिका? यस मैम। प्रीति? प्रेजेंट मैम। आयुष प्रसन्न? अगुन कटोच? वरुण कुमार? यस मैम। अनमोल? सात्विक? यस मैम। साहिल? प्रेजेंट मैम। नेहा? महक? शीतल? अलक? प्रेजेंट मैम। रितिका? यस मैम। अल्पना? यस मैम। जागृति? यस मैम। काजल? यस मैम। मोहिनी? जानवी? यस मैम। मैम मैं कल भी आई थी, आपने अटेंडेंस लगाई है। राशि? श्रुति? यस मैम। सोनिया? वंशिका? यस मैम। नैंसी? नैंसी? प्रेजेंट मैम। ये सोनिया ने बोला था यस मैम। यस मैम। मैम वंशिका भी? हाँ वंशिका प्रेजेंट है। संध्या? प्रेजेंट मैम। रितिका? प्रेजेंट मैम। अपूर्वा? यस मैम। आशीष? शानी? नियति? प्रेजेंट मैम। अजय? वंशिका? शालिनी? अंजलि? प्रेजेंट मैम। बबीता? साक्षी? प्रेजेंट मैम। पीयूष? मैम की शानी इज प्रेजेंट। आशा? यस मैम। ओके इसके अलावा जिसकी भी रहती है शानी लगा दी, तुम्हारी क्लास से बात करते हैं। तुम्हारी क्लास में मैक्सिमम अटेंडेंस जाती है, 98-99% जाती है। दैट्स गुड। आइए कौन चैप्टर कर रहे हैं हम लोग?
ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो मैंने होमवर्क दिया था पढ़ के आयो? यस मैम। फटाफट चैट बॉक्स खोलो और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखो, एक साथ लिख के भेजना मुझे, बड़ा अलग अलग लिखे दो, चारों क्वेश्चंस के आंसर लिख के भेजो, जितना आता उतना लिख के भेजो एक साथ। लेट्स सी अनमोल, इसके बाद बता देना मुझे। परीक्षा ने बोला ना एक साथ, वंशिका लोकेशन ऑफ द लीडिक सेल्स क्या होती है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ सटोली सेल, साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है, और आउटरमोस्ट मसल ऑफ द टेस्टिस वॉलेंट्री होती है या इनवॉलेंट्री होती है, ये क्वेश्चन है। इंतजार रहेगा आपके आंसर का। थर्ड क्वेश्चन बोलना दोबारा। द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज, बेटा दिख नहीं रहा तुझे, बैक करता हूं तो कीबोर्ड हट जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज द लोकेशन ऑफ द लेडिक सेल्स, सेकेंड इज वट इज अनदर नेम ऑफ सटोली सेल, थर्ड इज द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होती है, एंड फोर्थ इज आउटर मोस्ट मसल होती है जो टेस्टिस की, वो वॉलेंटरी होती है या इनवॉलेंटरी होती है। मैं जब यहाँ पे मैसेज करती हूँ तो मेरा नहीं हटता, ओके फाइनली। ओके बेटा, जब डांटते थे तो अंदर चली जाती थी ना लेयर, अंदर वाली लेयर थी तो डांटते, तो डांट पे कंट्रोल नहीं होता तो वो होगी ना हमारी इनवॉलेंटरी, जो हम खुद कंट्रोल कर सकते दैट वुड बी वॉलेंटरी ना, राइट? सब तो गलत है। सटोली सेल्स का नाम सोमेटिक सेल्स है, बताऊं तुझे सटोली सेल का अलग अलग नाम क्या है? सोमेटिक सेल्स तो बॉडी के सारे सेल्स सोमेटिक सेल्स है ना, दो टाइप के तो सेल्स होते हैं बॉडी में, एक सोमेटिक सेल और जर्म सेल, तो स्पर्म के अलावा सारे सेल सोमेटिक सेल्स है। सटोली सेल का नाम क्या था, जो टोली वाले होते खाना लेके जाते थे ना, नर्स सेल। लोकेशन ऑफ द लेडिक सेल इज बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस लोब्यूल में आपको मिलता है। साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज टेस्टिस, टेस्टिस में भी कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो बाहर वाली जो लेयर थी सबसे बाहर वाली मसल कौन सी थी, टेस्टिस में बाहर वाली डार्टोस मसल थी, त्रिमेस्टर थी, तो वो वॉलेंट्री थी ना। यो मैम पढ़ के नहीं आये, ये पढ़ के नहीं आएगी तभी नहीं होता, ठीक है? तो मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है भाई, नहीं पढ़ गया तो तुमको समझने में दिक्कत होगी।
तो आज का टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म कैसे फॉर्म होते हैं टेस्टिस के अंदर वो पढ़ेंगे। तो आप लोग बंद कर सकते हैं अब लिखना, ये खास आपने लिखा भी नहीं है, है ना? फाइन मैम, आपने मेरे रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग भी बोली थी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग भी बोली थी? यस मैम। यस मैम, ये तो हुआ नहीं तुमसे सबसे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लेबलिंग भी करवाऊं? बेसिक बात तो करके आए नहीं। अगली बार करके आना तो मेरे को भी मोटिवेशन आए कुछ कराने का। आया नहीं मुझे मोटिवेशन, ये क्या हुआ? ये इरेज कैसे नहीं हुआ? अरे यार इरेज नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, लास्ट क्लास देर तक चली थी इस वजह से इरेज हो गया, होना रह गया। आई एम रियली सॉरी। फिर क्लासेस में टॉपिक तो सेम ही चल रहे हैं तो यार कैसे रह गया इरेज होना, तो सॉरी माय गॉड। एक मिनट, चलो आइए। तो हम लोगों ने यहाँ तक किया था स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, आज हम लोगों ने पढ़ना है। तो उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट रहता है, तो जो था हमारा, हमारे कौन से ग्लैंड्स थे, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हमें पढ़ना था, ठीक है? एक्सेसरी ग्लैंड्स हम लोग कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चल के अब स्पर्मेटोजेनेसिस करेंगे, ठीक है? तो क्योंकि मैंने वर्ड लिख दिया एक्सेसरी, दैट मींस एक्सेसरी का मतलब होता है वो जो डायरेक्टली जर्म फॉर्मेशन में, जर्म सेल की यानी कि स्पर्म की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली जर्म स्पर्म को नहीं बना रहे हैं पर कहीं ना कहीं रोल फॉर्म कर रहे हैं वहां पे, ठीक है? कोई ना कोई रोल है इनका। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पेनिस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है? आइए, तो देखो आज हम पेनिस का स्ट्रक्चर भी करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म है, जहां से क्वेश्चन आता है वही बताऊंगी मैं तुमको, बहुत सारा एक्स्ट्रा करा के कुछ मिलना तो है नहीं, राइट? जहां से क्वेश्चन आता है वहां पे मेजर फोकस रहेगा हमारा। सो ये हमारे, अगर ये एक मेल की पीनस है देन इन दैट केस एक्सेसरी ग्लैंड्स कहाँ होंगे? यार ये पिक्चर बहुत बड़ी बना रही, मेरा फोकस खराब हो गया। ये मैं मिनट है, तो फीमेल के केस में यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन किसी और जगह खुलता है, ठीक है? और सीमन उसकी बॉडी में अलग से एंटर होता है। मैं सीमन वर्ड यूज कर रही हूँ, उसका मतलब समझाऊंगी। मेल के केस में क्या होता है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना वो पीनस में ही खुलता है, जस्ट लाइक उसका स्पर्म्स जो पीनस के थ्रू ही रिलीज होते हैं, तो उसके पास एक ही ओपनिंग है, उसके पास अलग अलग से ओपनिंग नहीं होती, ठीक है? और इसके पास जो इसके टेस्टिस है वो भी ओपन होके सारे के सारे पीनस में ही आते हैं। तो पीनस एक कॉमन पैसेज है सबके लिए, तो उसके सेंटर में एक डक्ट होती है जिसके थ्रू सब कुछ जाएगा। तो इस डक्ट को हम क्या बुलाते हैं, दिस इज नोन एज इजैकुलेटेड, ओके? हाँ, इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से सब बाहर रिलीज होगा। तो स्पर्म बना लेती हूँ, स्पर्म भी यहाँ से आएंगे, पूंछ बना लेते हैं इनकी, तो वो यहाँ से रिलीज होंगे बाहर, ठीक है? सिमिलरली ऊपर से यूरिन आ रहा है वो भी यहाँ पर रिलीज होगा। उसके अलावा जितने भी इसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं उनकी सिक्रीशन भी यही होती है। डोंट वरी, आगे और अच्छा डायग्राम है, पर ध्यान ना होगा काफी बड़ा खराब बन गया, तो सबकी ओपनिंग यही आके खुलती है अल्टीमेटली। अब कौन से ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स कितने होते हैं नंबर में, तीन, देयर आर थ्री ग्लैंड्स। तीन ग्लैंड्स में से दो है जो पेयर्ड है और एक है जो अकेला है, तो इससे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको नाम पता होना चाहिए। जो आपको थोड़ा पत्ते की तरह दिखाई देगा वो पेयर्ड वाला ग्लैंड होता है, क्या नाम होता है उसका, पता है किसी को? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल कैसा होता है, ये होता है पेयर्ड। और इसकी खास बात पता है क्या, ये क्यों फेमस है? देखो अगर तुम बहुत गर्मी से बाहर से आते हो और तुमको एक गिलास पानी मिल जाए, दूसरे कंडीशन में बहुत गर्मी से बाहर से आए हो और श्रुति को एक गिलास पानी मिल गया, और दूसरी तरफ बहुत गर्मी से बाहर से आया था हमारे पास साहिल और उसको एक गिलास ग्लूकोज वाला पानी मिल गया, तो एनर्जी किसमें ज्यादा आएगी? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज पानी में, पहले पानी में ऐसा क्या था? ग्लूकोज, ग्लूकोज इज बेसिकली बहुत मीठा होता है। यो यो यो।
है ना, शुगर है ना, तो जिसमें शुगर थी उसे मिठास से एनर्जी मिल गई हमें, यही समझ आया हमें। तो सेमिनल वेसिकल ने अपनी सिक्रीशन भेजी, इसकी सिक्रीशन खास क्यों होती है, क्योंकि इसकी सिक्रीशन में एक मिठास होती है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। आपके फ्रूट्स में मिलते हैं ना फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज होती है इसमें। अब जैसे स्पर्म होता है ना, वो बेचारा स्पर्म टेस्टिस में बनता है, उसके बाद वो ट्रेवल करके पूरा पीनस के थ्रू बाहर रिलीज होता है, तो उसको इन सबके लिए एनर्जी चाहिए। उसके पास खुद का माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन अगर थोड़ी बाहर से एनर्जी मिल जाए तो क्या दिक्कत है। तो बाहर से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर जो देता है वो देता है सेमिनल वेसिकल। क्लियर? एक सिंगल ग्लैंड आता है ये वाला, ये ऐसे ऊपर को लगा हुआ, ठीक है, पीछे से सेमिनल वेसिकल का जा रहा है स्ट्रक्चर, ये पीछे ये एक सिंगल ग्लैंड लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों फेमस है? एक तो मेल में सबसे ज्यादा जो कैंसर होते हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होते हैं, फीमेल के अंदर सर्विस कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर कॉमन है दुनिया में, ग्लोबल बता रही हूँ मैं। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की खास बात क्या है, ये है अकेला, अनपेयर्ड है। पहला क्वेश्चन यही आता है, कौन सा ग्लैंड अनपेयर्ड है। दूसरा, ये क्या रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एल्कलाइन सॉल्यूशन, तो ये सीमन को एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन क्यों बना रहा है, क्योंकि जितना भी यहाँ से लिक्विड आने वाला है वो सारा फीमेल की बॉडी में जाएगा, और फीमेल की बॉडी के अंदर जो पीएच होने वाला है ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, वो होता है एसिडिक। तो अगर ये एल्कलाइन नहीं हुआ ना, उस एसिडिक के अंदर सारे जाके मर जाएंगे, तो इसलिए पहले थोड़ा एल्कलाइन होकर जाता है, तो ताकि उस एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर पाए। समझ आई बात? और रास्ते में इसको लड़ाई भी करनी पड़ती है, तो इसके पास कुछ एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो चीजों को काटते हैं, उन्हें कहते हैं लाइटिक, ठीक है। तो इनके पास कुछ लाइटिक एंजाइम होते हैं। इतना क्लियर? ठीक है। ये मेरी, ये जो मैं है, ये मेरी जनरेटरी डक्ट है जो नीचे जा रही है, जिसके अंदर सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब इसी के पास छोटे से दो बल्ब की तरह स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, बल्ब की तरह दो स्ट्रक्चर लगे हैं, तो सबसे पहले तो ये पेड़ है, और इनका नाम क्या है, बल्ब से इंस्पायर्ड बल्बो, और यूरिन के पास है, तो यूरिन सिस्टम भी यहीं से जा रहा है, तो यूरेथ्रल ग्लैंड। और दूसरा नाम क्या है इनका, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, तो ये पढ़ के नहीं आए हैं इसलिए नहीं पता। तो बल्बो, यूरेथ्रल ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड, ये क्या सिक्रीट करते हैं? देखो, कभी चावल का पानी उबला हुआ देखा? पानी को थोड़ा ठंडा कर दो और उसे छुओ तो वो स्टिकी होता है, तो जो लिक्विड यहाँ से रिलीज होगा वो भी थोड़ा स्टिकी होगा। तो वो स्टिकी क्यों होता है, क्योंकि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, जो लिक्विड यहाँ से रिलीज होने वाला है जिसमें स्पर्म होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, उसको स्टिकी बनाता है। तो इसका मेन काम होता है म्यूकस रिलीज करना, और ये भी पेयर्ड होता है। क्लियर है सबको? ये लिख लिया, इतना लिख लो, लिख लो, मैंने टाइम नहीं दिया था लिखने। हाँ बेटा बता, कुछ कुछ क्या पूछ रही थी? पूछ ले भाई, क्या पूछ रही थी? कौन पूछ रहा था? ग्लैंड्स में अल्कली सॉल्यूशन क्या होता? हाँ, क्या ग्लैंड्स में अल्कली सॉल्यूशन, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करता है अल्कलाइन सॉल्यूशंस को। हाँ, तो क्वेश्चन क्या तुम्हारा, कैसे? उसके अंदर जो सिक्रीशंस होते हैं ना, वो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे केमिकल कॉन्सेंट्रेशन को अल्कलाइन बनाता है। जैसे इसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, तो ऐसे वाले आयंस रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाती है। एसिडिक का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोजन आयन होना ना, तो वो ऐसे आयन रिलीज कर देगा जो पॉजिटिव की तरफ चले जाएंगे, तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है, इसलिए वो उसको अल्कलाइन बना देता है। जैसे हाइलुरोनिक एसिड भी सीक्रेट करता है वो, बहुत सारी चीजें होती है। चलिए अब देखो, इसी को हमने चार्ट के फॉर्म में बनाया है कि एसेसरी ग्लैंड्स तीन टाइप के हैं। सेमिनल वेसिकल जो पेयर्ड है फ्रक्टोज के लिए फेमस है, ऐसा नहीं है इसमें और सिक्रीशन नहीं होती,
जिससे आपका क्वेश्चन आता है मेन, वो मैंने पार्ट यहाँ पे हाईलाइट करा है, और सिक्रीशंस भी होती है. प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है एल्कलाइन बनाने के लिए सीमन को, और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड पेयर्ड होता है और ये म्यूकस सिक्रीट करता है. राइट, क्लियर है हमें? अब बात आती है सीमन की. सीमन एग्जैक्टली क्या है? तो लेट्स इमेजिन बच्चों, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, आपने देखी होगी ना अपनी केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब्स. मेल के पेनिस से जो सॉल्यूशन निकली उसको इसमें भर दिया. कॉम्पोजिशन है इसकी 100%. ठीक है, तो हमने इसको रखा माइक्रोस्कोप के अंदर. जब हमने इसको स्ट्रीट करके माइक्रोस्कोप के अंदर रखा तो हमको पता चला कि इस पूरी 100% सॉल्यूशन में सिर्फ 10% है जो स्पर्म है. तो स्पर्म ने सिर्फ कितनी स्पेस ले रखी है? 10%. अगर 10% स्पर्म है, 10% में मतलब 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक सीमन इजैकुलेशन में. इजैकुलेशन मतलब एक बार में कितना सीमन रिलीज हुआ, वो इजैकुलेशन होती है. तो 10% स्पर्म है तो कितने परसेंट बच गए 100 में से? 90%. तो 90% क्या होती है? 90% होती है हमारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन. तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन 90% हो गई. अब इसमें से भी कौन सा ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सिक्रीशन करता है? दैट इज 60% सिक्रीशन अकेला कर लेता है कौन? सेमिनल वेसिकल. ठीक है, उसके बाद कितने परसेंट बचे? अगर 60 में मैंने 90 में से 60 निकाल लेते कितना बचा? 30%. 30% सिक्रीशन कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्लस बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं बताते एग्जैक्टली किसने कितना किया है. ठीक है, ये कहते हैं कि दोनों का मिला के सिक्रीशन है 30%. ये बात समझ आई? Yeah, देख क्वेश्चन क्या आएगा, देखो लिखना मत, जब मैं बोलूंगी लिखने के लिए तब लिखना, लिखने में मतलब देना, समझ नहीं आएगा. तो सीमन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म, इसमें स्पर्म होता है प्लस इसमें ग्लैंडुलर सिक्रीशन होती है. तो कितने ग्लैंड्स पढ़े हमने? तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन प्लस स्पर्म, इसको हम कहते हैं सीमन जो रिलीज होता है. ओके, अब लिखो इसे. तो क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन आता है सीमन होता क्या है. ठीक है, ग्लैंडुलर सिक्रीशन याद रखना उसमें. फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्पर्म की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 10% होती है. फिर तीसरा क्वेश्चन आता है वो कौन सा ग्लैंड है जो सबसे ज्यादा सीमन की सिक्रीशन करता है, सीमन में सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है? सेमिनल वेसिकल. बार बार सेमिनल वेसिकल पे क्वेश्चन आ चुका है. ओके, ये आपको याद रखना है, लिख लो इसे. कैसे हो जाए, अंगूठा लगा देना, आगे चलेंगे. ओके, ऑलराइट, ओके बेटा, समझ में आ रहा है? यो मैम. ठीक है, ये पार्ट खत्म. आइए अब हम करते हैं गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस के लिए हमें बस एक स्ट्रक्चर पढ़ना रहता है, दैट इज पीनस. उसके बाद हम गैमेटोजेनेसिस करेंगे. पीनस के स्ट्रक्चर पे तीन क्वेश्चन बनते हैं, अरे थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाता है. ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं है. राइट, तो जो पीनस होता है वो किस तरीके का दिखता है? सॉरी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है ये. राइट, इसके थ्रू पैसेज होता है यूरिन का भी और स्पर्म का भी. तो जो इसका बेस होता है वो थोड़ा सा स्वेलन होता है. ठीक है, तो जो बेस होता है इसका वो बिल्कुल स्वेलन सा होता है. ये वही पॉइंट है जहां पर ओपनिंग भी होगी पीनस की. ठीक है, तो इस पॉइंट को हम बुलाते हैं, इस बेस को हम बुलाते हैं ग्लैंड्स पीनस. ये टर्म आपको पीवाईक्यू लगाते हुए देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में कहीं ना कहीं. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता लेकिन पीवाईक्यू में टर्म दिखता है. इस ओपनिंग को हम बोलते हैं यूरेथ्रल, यूरिन से रिलेटेड मिएटस. मिएटस मतलब कोई भी छोटी सी होल या पोर, यूरेथ्रल मिलाइटस कहते हैं. इसके सेंटर में होगा जहां से सब कुछ कैरी होगा, स्पर्म कैरी होगा, सीमन कैरी होगा. इसको अपन क्या बुलाते थे? इजेकुलेटरी डक्ट. वेरी गुड, शाबाश. ठीक है जी, इतना क्लियर है. अब आपको जो स्ट्रक्चर करना है ना वो यहाँ ध्यान से करना है कि जो हमारे जो ये पीनस होता है ना, इसके पास एक ना लेयर होती है एक्सटर्नल स्किन की लेयर.
ठीक है। अब अगर तुम स्किन की लेयर को देखोगे, बहुत पतली सी होती है, इसके साथ लगी होती है। ये क्या करती है, ये ऊपर नीचे होती रहती है, ये मूवेबल है। देखो मूवेबल कैसे है, अगर तुम देखोगे ये अटैच क्या हुई है, सिर्फ ये ग्रीन वाले पॉइंट पे अटैच हुई है ना, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड परप्यूरिस। यहाँ पर स्किन अटैच हुई है और स्किन की लेयर को हम बोलते हैं फोर स्किन। तो ये होती क्यों है, ये क्या करती है, पीनस की जो ये ओपनिंग होती है ना, इसको कवर करती है, ऐसे कवर करके रखेगी। पर ड्यूरिंग सेक्स जब पीनस की मूवमेंट होती है तो ये पीछे चली जाती है ताकि सीमन रिलीज हो पाए, ठीक है। यूरिनेशन के टाइम पे पीछे चली जाती है, फिर ये आगे आ जाती है, तो ये मूवेबल होती है, ये परप्यूरिस के पास अटैच होती है। तो ये नॉर्मल पीनस का स्ट्रक्चर है। अब आपने एक प्रोसेस सुना होगा मे बी, दैट इज नोन एज कैस्ट्रेशन, सुना? यस मैम। किसी किसी कल्चर में किया जाता है, हिंदी में से क्या बुलाते हैं, फतना, सुना होगा? देखो बायो की क्लास है, अगर मातम की तरह बैठोगे तो ये चैप्टर तो नहीं कर पाओगे। अभी तो तुम्हें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया है, फीमेल के बाद जब मैं सेक्स पढ़ाऊंगी तो तुम तो बिल्कुल ही चुप हो जाओगे। नो मैम, कैसे पढ़ाऊंगी, ये नाम नहीं सुना। नाम ही नहीं सुना तो बोलो ना, नहीं सुना, नहीं। कैस्ट्रेशन करना नहीं सुना, अरे भैया गजब। चलो फिर मेरे को बताओ, जब सुना नहीं तो क्या बताओगे मुझे। मेरे को ये पूछना था कि कतना से तुम क्या समझते हो, कतना से तुम ये समझते हो तुमको कतई नहीं पता क्या है। बहुत बढ़िया जी। तो कतना का कैस्ट्रेशन का मिसकंसेप्शन है कि कैस्ट्रेशन करने के बाद एक मेल फर्टाइल नहीं रहता, उसकी टेस्टिस रिमूव कर देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग पॉइंट, दिस इज अ मिसकंसेप्शन, ठीक है। कैस्ट्रेशन क्या होता है, ध्यान से सुनना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वर्ड आपको दिख जाएगा पीवाईक्यूज में, इट इज द रिमूवल ऑफ फोरस्किन। तो कुछ कल्चर्स में ऐसे कहते हैं कि देखो ये जो फोरस्किन है ये बार बार आ रही है इस ओपनिंग के पास और फिर पीछे जा रही है। अब यहाँ से यूरिन भी तो रिलीज होता है ना, सो ये जगह बहुत हब हो सकती है माइक्रोब्स की। देखो कोई भी बॉडी में ओपनिंग है ना, वहाँ पे माइक्रोब्स तो होंगे, ये सच है, माइक्रोब्स हर जगह होते हैं, यहाँ पे ज्यादा होंगे। तो वो कहते हैं यहाँ पे ना इन्फेक्शन हो सकता है बार बार इसकी मूवमेंट से। तो कुछ कल्चर्स में जब बच्चे छोटे होते हैं तो वहीं पे ये स्किन को रिमूव कर देते हैं, मीन्स इस वाली स्किन को ऐसे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जुड़ी है ना, तो यहाँ से रिमूव कर देंगे यहाँ तक, ताकि ये आगे इन्फेक्शन ना कर पाए। तो जो आगे से स्किन रिमूव कर दिया ना, इसी को हम बुलाते हैं कैस्ट्रेशन, समझ आई? मैम अब देखो मैं रिमूव ये स्किन वापस से बना रही हूँ, डायग्राम अच्छा बना है। अब मेरे को बा बताओ, मुझे कुछ सोच के बताओ, जब ये स्किन रिमूव करी, क्या इसे रिमूव करने से स्पर्म की प्रोडक्शन पे कोई फर्क पड़ा होगा? नो मैम। क्या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस पे कोई फर्क पड़ा होगा? नो मैम। नो मैम। हां, सो इट डजंट लीड टू इंपोटेंसी, नो इंपोटेंसी। इंपोटेंसी का मतलब होता है मेल इनकैपेबल है टू रिप्रोड्यूस, लेकिन वो इनकैपेबल नहीं है, ही इज परफेक्टली फर्टाइल, मेल इज फर्टाइल। तो बॉस कल्चर में ही होता है और फर्टिलिटी बिल्कुल सेम रहे, सही रहते हैं, ठीक है, उनके कल्चर में ब्रीम माना जा सकता है और यहाँ पे इन्फेक्शन हो भी सकता है, तो ठीक है, इस प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली मेल इज फर्टाइल इन दिस केस, राइट? तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैस्ट्रेशन लीड टू इम्पोटेंसी, नो इट डजंट लीड टू इम्पोटेंसी, ओके, जस्ट वन क्वेश्चन कैन कम आउट ऑफ सिलेबस ऑब्वियसली। अब ये पॉइंट यहाँ लिखा है, देखो एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल के अंदर होता है पीनिस, पीनिस का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या है, वही पढ़ा है, क्या फंक्शन है, हाँ, पैसेज या कंडक्शन, किसका, कंडक्शन और यूरिन, यूरिन स्पर्म यूरिन एंड यूरिन सीमन, कभी स्पर्म अकेला नहीं जाता, अकेला स्पर्म जा ही सकता, ग्रेविटी थोड़ी है कैसे जाएगा, उसको पुश चाहिए, इस लिक्विड से उसको पुश मिलता है, फ्रक्टोस से खाना मिलता है, तो सीमन हो रहा है, स्पर्म नहीं हो रहा, ठीक है, यो मैम, यो मैम, ठीक है जी। अब ये वाली बातें लिखी है, देखो जी मैंने आपको पढ़ाया वो सब याद है। अब देखो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरेथ्रल मिएटस, ये है कॉमन पैसेज, कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, यूरिन एंड सीमन के लिए, ये पूछा जा सकता है, ओके, हो गया सब तक, यो मैम, ये फंक्शन लिख लो, फंक्शन पूछ सकते हैं।
statement based question में वैसे ऐसा कुछ मैंने कहीं देखा नहीं आज क्वेश्चन आई यार ओके अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज Give me a minute. ठीक है सॉरी सो अब क्वेश्चन अब जो टॉपिक आता है दैट इज मेल इरेक्शन इस पे क्वेश्चन क्या बनता है इस पे क्वेश्चन बनता है ये आपसे मसल्स के नाम पूछते हैं तो दिस इज आउट ऑफ सिलेबस लेकिन आपसे ये मसल्स के नाम पूछते हैं कि कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है तो बहुत पहले इस पे क्वेश्चन आता था लेकिन बाय चांस ना आ जाए तो इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूं ये मैम ठीक है व्हाट इज मेल इरेक्शन पहले अभी तक किसी को डाउट नो मैम ओके तो मेल इरेक्शन क्या होता है इरेक्शन मींस पीनस फिल्ड विद ब्लड एंड बिकम इरेक्ट और स्ट्रेट और लिटिल बिट हार्ड सबसे पहले तो पीनस में कोई बोन नहीं होती है ठीक है तो वो वैसा हार्ड नहीं हो सकता जैसे एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है लेकिन क्या होता है पीनस के अंदर ब्लड का फिल हो जाता है तो उसके कुछ ऐसे टिश्यूज है जिसमें स्पेसिफिकली ब्लड सप्लाई होती है और वो ब्लड से भर जाती है फॉर टाइम पीरियड तो इसमें इरेक्शन हो जाती है इरेक्शन मतलब पीनस का हार्ड होना ठीक है तो इरेक्शन होती है पीनस में टेस्टिस में नहीं होती तो ये कॉमन मिसकंसेप्शन है ये बात क्लियर हुई सबको हम चलते हैं क्वेश्चन कि वो कौन से टिश्यूज है और उसी से क्वेश्चन आता है कि कौन से टिश्यूज है जो ब्लड से भर जाते हैं रिस्पॉन्सिबल है फॉर इरेक्शन के लिए सो देयर आर थ्री इरेक्टाइल टिश्यूज कितने टिश्यूज है थ्री कितने ग्लैंड है मेल के अंदर फॉर रिप्रोडक्शन इसमें से दो पेयर्ड है ग्लैंड हो गए फिर से बोलना क्वेश्चन दो पेयर्ड है एक अकेला है तो टोटल नंबर ऑफ ग्लैंड्स कितने हुए फाइव हुए ना फोर एंड फाइव अब मेरे को बताओ अब जो मैं अगला करा रही हूँ वो है तीन इरेक्टाइल टिश्यू जो आपको पीनस में मिलते हैं ठीक है तो तीन ग्लैंड तीन टिश्यू ऐसे याद रखनी है तीन इरेक्टाइल टिश्यू आपको कहाँ मिलते हैं तो देखो हम यहाँ पे हुआ क्या है कुछ नहीं ये पीनस था इसका ग्लैंड्स पीनस था और यहाँ पे क्या किया गया यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन लिया गया उसका कट करके यहाँ तक कट करा कट करके उसको देख रहे हैं हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर तो जब हम देख रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि ये यूरेथ्रल ओपनिंग है यूरेथ्रल ओपनिंग है जहाँ से यूरिन भी जाएगा और सीमन भी जाएगा तो यूरेथ्रल ओपनिंग के आसपास जो टिश्यू पड़ा है उस टिश्यू का नाम क्या है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम याद कैसे रखोगे कि जोन सा टिश्यू अच्छा याद कैसे रखोगे कि जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है वहां से सीमन भी जाना और फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भी जाएंगे आपके है ना राइट और यूरिन भी जाएगा तो ओपनिंग बहुत खास है तो कोई भी चीज अगर खास होती है और आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो आप ऐसे ही पॉलिथिन में जाकर भेज देते हो या उसको कवर करते हो सॉफ्ट चीजों से थर्मोकोल लगा के कवर करते कभी सेब की पेटी भी बनाइए तो देखा होगा ना एक सेब की लेयर होती है फिर ऊपर आप गत्ता लगाते हो फिर उसके ऊपर सेब का होता है ऐसा होता है ना आप उसको कवर करते हो सेम चीज ऐसे याद कर लेना कि यूरेथ्रल मेडिएटस के आसपास क्योंकि ये बहुत ही डेलिकेट ओपनिंग है इसके आसपास स्पॉन्जेस लगे हैं स्पॉन्जेस का कुछ लगा है दैट इज कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम है तो टिश्यू ही पर याद करने का तरीका है ओके एक टिश्यू ये हो गया दो और है दोनों और टिश्यू के नाम सेम है दैट इज कॉर्पोरा कैवर्नोसा अगर तुमको याद भी नहीं रहा कैवर्नोसा तो तुमको स्पॉन्जियोसम याद रहेगा दूसरे का तो तुक्का लगा ही लोगे ना तो पीनस में इन तीनों टिश्यूज के अंदर ब्लड फील होता है और इस वजह से इरेक्शन हो गया सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द पीनस गेट इरेक्ट तो ये क्वेश्चन बन सकता है दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक पे पूछ सकते हैं यूरेथ्रा मेयटिस के आसपास कौन सा टिश्यू है दैट इज स्पॉन्जियोसम दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कौन से टिश्यू इन्वॉल्व है टू मेक पीनस इरेक्ट वो ऐसे टिश्यू का नाम डालेंगे तुमने सुने भी नहीं होंगे पर तुमने जो सुने उन पे ध्यान रखना ओके ओके जी बना लिया बना लो बना बना ऐसी बना लो बना के याद हो जाएगा सिर्फ थ्योरी लिखोगे ना तो बोल जाओगे डन कैसे मैंने तो अभी बोला बनाने के लिए मतलब पहले बना रही थी हैं नो मैम फास्ट इतनी फास्ट है इतनी फास्ट है लाइट की स्पीड से भागती है रात तेज से मत भागो गायब हो जाएगी डन मैम डन कोई क्वेश्चन है No, ma'am. कोई क्वेश्चन नहीं है no, ma'am. अच्छा पीनस इरेक्ट क्यों हुआ फिर
ब्लड फिल हो गया टिश्यूज के अंदर इसके एक दो क्वेश्चन ध्यान से सुना कर यहीं से रन दे के मारूंगी सर पे दोनों में इरेक्ट हुआ क्यों रीजन क्या उसका हुआ क्यों था पर्पस पर्पस कैसे हुआ ये नहीं पूछा मैंने पर्पस क्या उसका ये पूछा अगर नहीं पूछा तो अगर नहीं पता तो तुमने क्यों नहीं पूछा किस खुशी में ब्लड भरा क्या काम था बताओ भाई तो पोषण तुमने नहीं पूछा तो मैं पूछ लूंगी मेरे को तो बाकी सबने पूछा तुम पहला बैच उसने नहीं पूछा बताओ भाई इरेक्ट क्यों हुआ बोलो तुम्हें तो कोई डाउट नहीं था बस मैं बोलती जा रही हूँ पढ़ते चले जा रहे हैं अबे सोचो भी तो सही ना पीछे जो भी मैंने बताया उसका सेंस बना चीजें मिक्स हुई मैंने बताया ग्लैंड की सिक्रीशन है तो वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे थे इसलिए सिक्रीशन है ना सब समझ में आया तो बताओ इरेक्शन क्यों हुई पीनस का मेन काम क्या है पैसेज ऑफ सीमन एंड यूरिन हाँ यूरिन वेस्ट मटेरियल हो गया और सीमन कहाँ पे रिलीज करना है उसको बायोलॉजिकली वजाइना ऑफ द फीमेल फीमेल की बॉडी में इंसर्ट करना है ना उसको राइट सो दैट इज अ पर्पस सो व्हाट इज द व्हाई डज इरेक्शन अकर इन मेल ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है तो बेटा मेल जो होते हैं वो फर्टाइल होने कब स्टार्ट होते हैं आफ्टर प्यूबर्टी प्यूबर्टी हिट करती है तब होते हैं ना तो प्यूबर्टी में ऐसा क्या चेंज आता है कि शरीर चेंज हो जाता है होता क्या प्यूबर्टी में क्या चेंजेस आते हैं मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हाँ कैसे होता है किसके इन्फ्लुएंस में होता है भगवान ऊपर से भविष्यवाणी करते हैं हाँ भाई मैच्योर हो जा होता क्या हार्मोन्स की सेक्रेशन हार्मोन चेंजेस हार्मोन्स तो हार्मोन चेंजेस जब होते हैं ना उसकी वजह से इरेक्शन होता है इरेक्शन का मेन पर्पस क्या होता है ये देखो फीमेल की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है दैट इज वजाइना ठीक है एक्सटर्नल ओपनिंग है ये बर्थ कैनाल होती है यहीं से बेबी भी पैदा होता है वजाइना अंदर तक होती है उसके बाद जो एरिया आता है दैट इज नोन एज सर्विक्स स्पर्म पता है कहाँ रिलीज होने हैं स्पर्म को ना यहाँ रिलीज होना है क्योंकि अगर इससे पीछे रिलीज होए ना तो स्पर्म वापस भी जा सकता है तो फर्टिलिटी अगर करनी है तो स्पर्म को यहाँ तक रिलीज होना है तो पीनस को यहाँ तक जाना भी पड़ेगा अगर पीनस सॉफ्ट रहेगा और वो इरेक्टाइल नहीं होगा तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा वो तो अगर जिनको इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है दैट इज अ मेडिकल कंडीशन तब उसको उसको ट्रीट कराना पड़ता है बिना इरेक्शन के फर्टिलाइल होना उसके चांसेस बहुत कम है चाहे स्पर्म बिल्कुल सही बने लेकिन वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा ना तो इंसेमिनेट का मतलब होता है फीमेल की बॉडी में मेल की पीनस का एंट्री करना तो इंसेमिनेशन के लिए पीनस का इरेक्ट होना जरूरी है सो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर सेक्स इरेक्शन होना जरूरी है ठीक है अब क्या होता है मेल के केस में क्योंकि हॉर्मोनल चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी में स्टार्ट होते हैं तो आपने देखा कि दाढ़ी बड़ी इवन अनइवन नहीं आती है कभी अपने बड़े भाई बहनों को देखो बड़े भाइयों को देखो तो उनकी बियर्ड बहुत अच्छे से आती होती है लेकिन स्कूल के बच्चों को देखा कभी अपने आप को देखा विशेषण यहाँ आ रही है किसी थोड़ी मूछे आ रही है कबूतर लगते सारे है ना फीमेल के केस में भी ऐसा है बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत अजीब सा है किसी की ग्रोथ हो रही है किसी की ग्रोथ नहीं हो रही लड़कियां भी कंफ्यूज हो गया रहा है तो ये क्यों होता है क्योंकि अभी हॉर्मोन आपकी बॉडी में बैलेंस होने स्टार्ट नहीं हुए हैं कभी ज्यादा रिलीज होते हैं कभी कम रिलीज होते हैं बॉडी हिला देते हैं तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन मेल का सेक्स हार्मोन होता है जो रिलीज होता है टेस्टिस से ही रिलीज होता है टी से टेस्टोस्टेरोन टी से टेस्टिस सो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है कि कभी कभार मेल की बॉडी में जैसे व्हेन ही स्लीप्स तो उसकी बॉडी में रिलीज हो जाता है सो कभी कभार स्पेशली प्यूबर्टी स्पेशली टीनेज में देखा जाता है कि जब व्हेन बड़ी एज में भी हो जाता है कि व्हेन मेल वेक अप तो उनकी पीनस होती है वो ऑटोमेटिकली इरेक्ट हो जाती है तो जो नेचुरल पर्पस है वो ओनली फॉर सेक्स है लेकिन सम टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन टेस्टिस पीनस जो होती है वो इरेक्ट भी हो जाती है पर थोड़े टाइम के बाद वो नॉर्मल भी हो जाती है क्योंकि इरेक्शन का मतलब सिर्फ ब्लड फ्लो होता है थोड़ी देर के लिए आता है उसके बाद चला भी जाता है राइट तो साइंटिफिक रीजन जो उसका है जिसके लिए वो क्रिएट हुआ है दैट इज फॉर सेक्स ताकि न्यू जनरेशन आ सके क्योंकि मेन पर्पस तो नेचर में यही है ना न्यू जनरेशन फॉर्मेशन राइट लेकिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में कभी कभार वैसे भी हो जाता है इरेक्शन क्लियर स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर तो हमने कल भी करा था अब स्पर्मेटोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं तो देखो दोबारा से टेस्टिस बनानी पड़ेगी मुझे तब तेरी अगर ये टेस्टिस है तो टेस्टिस के अंदर ये एरिया होते थे जो बड़ी बड़े से कंपार्टमेंट से नहीं क्या बुलाते थे हम लोब्यूल्स लोब्यूल्स
ल्यूल लोब्यूल. शाबाश, दोनों लड़कियों ने एक साथ बोला. गुड. इसके अंदर जो पाइप लग सकता था दैट वाज ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. हाँ, स्पर्म कहाँ बनते हैं? ट्यूब्यूल्स. और खाने वाले सेल कहाँ होते हैं? इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस में. सर्टोली सर, बहुत बढ़िया, तू नया आया है. मैं कह रही हूँ टीचर कहाँ पर है, कह रहा साक्षी मैम. अबे जगह पूछ रही थी, अगर स्पर्म अंदर बन रहा है तो खाना दूर क्यों होगा, वही नहीं होगा उसके साथ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में. हाँ, नहीं पढ़ के आया आज, तुम रिवाइज नहीं करके आए. ये बेसिक मिस्टेक सिर्फ रिवाइज ना करने से होती है. तुम्हारा पहला बात है जो आंसर नहीं दिया, रिवाइज रिविजन नहीं है तुम्हारी, मत करके आओ. अगली क्लास में आना, अगर तुम सारे क्वेश्चन ना भूल गए मेरा नाम बदल देना, फिर रिवाइज करके आके देख लेना, मुझे लेके देख लेना जरा, कुछ नहीं समझ आएगा, फिर पढ़ते रहना. देखने में आसान है लेकिन अगर इस पर रिविजन छोड़ी तो ये बहुत आराम से चैप्टर खराब हो जाता है. वो स्कोरिंग है, बच्चे इसमें बहुत नंबर लेकर आते हैं, तो तुम खराब करवा के आओगे. ये देखो, इस वाले सेक्शन को मैंने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, ठीक है? तो इसका टीएस लिया हमने, ट्रांसवर्स सेक्शन, और इसको माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि हमें समझना है कि स्पर्म कैसे बना. समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि तुम रिवाइज नहीं कर रहे हैं. कोई बात नहीं, मेरा काम है समझाना. बाकी आपके माता पिता पीछे वैसे पीछे बैठे होंगे इस टाइम, तो सारे थोड़े घबराए होंगे ना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब तक चलता है पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं, ऐसा जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है. और आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर क्या ही कह सकते हैं. अब देखिए जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है ये बनाई मैंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ध्यान से देखना जरा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो खाने वाले सेल्स है ना आपको कॉर्नर्स में मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये ग्रीन कलर से बने हैं ना, ये खाने वाले सेल. और खाने वाले सेल्स का नाम क्या होता है अब बताना. खाली कर दो ना तो सेंटर को हम बुलाते हैं ल्यूमन. तो हर जगह पे जो सेंट्रल एरिया होता है दैट इज नोन एज ल्यूमन. सेंटर में ल्यूमन है, ये वर्ड याद रखना, ल्यूमन लिख लो. सेंट्रल खाली स्पेस, अब यही पे आपको जर्म सेल मिलेंगे, वही वाले प्यारे प्यारे सेल्स जिन्होंने आगे चल के स्पर्म बनाना है. मैंने बोला जर्म सेल, मैंने स्पर्म नहीं बोला. तो जर्म सेल्स वो सेल है जो एक मेल के पास पहले से होते हैं, ठीक है? कुछ जर्म सेल उसके पास पहले से प्यूबर्टी से पहले से है लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि अभी स्पर्म नहीं बने उसके टेस्टिस में. तो जो जर्म सेल होते हैं इसके पास प्लॉयडी होती है 2n, क्योंकि मैंने मियोसिस अभी तक नहीं कराया. तो जर्म सेल मेल के पास होते हैं, फिर वो आगे जाके कुछ प्रोसेस करते हैं और उसके पास स्पर्म बनाते हैं. क्लियर है इतना? जर्म सेल को आगे डिवाइड करना है, मियोसिस करना, जो मर्जी करना है, एनर्जी चाहिए. तो जर्म सेल क्या करते हैं, अपना मत्था ना ऐसे सटोली सेल में मार के रहते हैं, ठीक है? तो सटोली सेल में अपना सर अटैच करके रहते हैं हमेशा, जब तक वो पूरे स्पर्म नहीं बन जाते. स्पर्म बनने तक सारे जर्म सेल अपना सर सटोली सेल में ऐसे मार के रखते हैं, इसलिए आपको ऐसी वाली पिक्चर मिलेगी सटोली सेल के साथ चिपके हुए. ओके, ये देखो ये चिपका हुआ है सर में, आएगा दीवार पे. ओके, यो मैम, यो यो मैम, ये डायग्राम बना ले. जर्म्स अभी यहाँ लेबलिंग नहीं है, कोई बात नहीं, डायग्राम ना. स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा तो नहीं लग रहा मुझे, हो पाएगा आज तुम्हारी क्लास में? मैम जो येलो वाले सेल्स बनाए उनका नाम क्या था? येलो वाले तो स्पर्म है और ये वाले जर्म सेल है, दोनों सेल दिखा दिए मैंने आपको. ये जर्म सेल, और जर्म सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तब उनको कहते हैं हम स्पर्म. ओके मैम, डन मैम. ओके बेटा, चलिए अब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखने वाले हैं. सब अपने पेन पेपर छोड़ दो और सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखो, इससे बहुत आराम से क्वेश्चन आता है जो बहुत आराम से खराब हो सकता है. दो क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है? तो सब पेन रख देंगे नीचे और सब स्क्रीन को देखेंगे. ओके, देखो ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये बना दी मैंने ट्यूब्यूल का ट्रांसफर सेक्शन गोलू सा. अब इसके अंदर जो साइड में सेल लगे हैं ये है मेरे टोली सेल, सटोली सेल. इसके पास पास तुमको ग्रीन कलर से बनाए हुए सेल दिख रहे हैं,
इनको हम कहते हैं जर्म सेल्स. जर्म सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम या गोनिया. तो देखो अगर मैंने लिखा स्पर्मेटोगोनियम अम, मुझे अम से हम याद है. तो अगर आप उत्तर प्रदेश में जाओ तो वहां पे कोई ये नहीं कहता मैंने ये किया, वहां पे बोलते हमने ये किया. सो दे ऑलवेज यूज दिस वोकैबुलरी. तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत मजा आता था, मेरे लखनऊ से है पोस्ट ग्रेड, तो वहां पे सब हम बोलते हैं. तो हमसे वो अपनी ही बात करते हैं, सिंगुलर एक इंसान की बात करते हैं वो हमसे. ठीक है, तो मुझे यम हमसे याद है कि जब वर्ड एंड होगा यम में दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन वन सेल, एक सेल की बात कर रही हूँ. लेकिन जब यही वर्ड एंड होगा किसके अंदर, निया, जब ये वर्ड एंड होगा निया से दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन सेल. क्या मतलब है इसका, देखो स्पर्मेटोगोनियम तो ये इस स्पेसिफिक जर्म सेल की बात कर रहा है, इसलिए इसको स्पर्मेटोगोनियम कह रहा है. अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने जर्म सेल दिख रहे हैं तुम्हें, काउंट करके बताओ. एट की एट सेल्स को एक साथ बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, स्पर्मेटोगोनियम है ये या स्पर्मेटोगोनिया है? स्पर्मेटोगोनिया, राइट. तो स्पर्मेटोगोनिया और गोनियम का फर्क समझ आ गया? स्पर्मेटोगोनियम या स्पर्मेटोगोनिया आर नोन एज जर्म सेल, और इन्हीं को हम बोलते हैं टेस्टिस के स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स पूछते हैं आपसे कि मेल के केस में स्टेम सेल्स कौन से होते हैं इन द टेस्टिस, दीज आर द स्टेम सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम. बहुत सारे टर्म्स देंगे, याद रखना ये है. ये स्टेम सेल्स का मतलब क्या है, ये वो सेल्स है जिनके पास अनलिमिटेड कैपेसिटी है टू डू माइटोसिस. देखो मियोसिस करने की अनलिमिटेड कैपेसिटी नहीं है, माइटोसिस करने की है. तो ये इक्वेशनल डिवीजन अनलिमिटेड नंबर ऑफ कर सकते हैं, इस वजह से मेल में स्पर्म की कभी कमी नहीं होती है, स्पर्म बनता रहता है अंटिल अनलेस उसमें हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए. ठीक है, समझ आया? अभी तक मैंने इसमें मियोसिस कराई? नो मैम. डिप्लॉइडी कितनी बोलूं? डिप्लॉइड. बस लिख लो इसे, इस पिक्चर को अच्छे से बनाओ, सेंटर में बहुत अच्छे से बनाना. दो क्वेश्चन निकलते हैं इससे, स्टेम सेल, माइटोसिस और एक हाँ इसके वर्ड के ऊपर, तीन क्वेश्चन निकलते हैं. हो जाए तो थम्स अप लगा देना. ओके पल्लू, ओके राशि, डन मैम. मैम डन. ओके ठीक है जी, आइए अब इस पिक्चर पे आएंगे. अब हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस, जो तुम्हारी पूरी होनी पाएगी. क्यों? क्योंकि तुम पढ़ के नहीं आए थे, मैं लाए को भारी नुकसान हुआ, बाकी क्लास में होगी. देखो जो गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन है वो प्यूबर्टी में होगी, और प्यूबर्टी में हो रही है क्योंकि हार्मोन चेंज है. तो हार्मोन का सारा फंडा है दिमाग में, वो कौन सा मेन ग्लैंड है भैया जहाँ से हार्मोन स्टार्ट होगा सारा फंडा? पिट्यूटरी. बहुत बढ़िया, सर मान ले दीवार पे, सर मान ले दीवार पे, दोनों हाइपोथैलेमस. पिट्यूटरी को भी हाइपोथैलेमस बताता है, समझ गई? उसके नीचे आता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ही है, मुझे पिट्यूटरी बोलना पसंद है. तो इसके आता है पिट्यूटरी, फिर उसके बाद यहाँ से जो भी हार्मोन है वो क्या सिग्नेट करेगा, पीनस या टेस्टिस? अगर ये सोचने में तुम्हें समय लग रहा है ना तो तुम सब दीवार पर सर मार लो, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल नहीं पता बात क्या हो रही है भाई. कौन से ग्रेड की टीचर हूं मैं? बहुत बढ़िया. नाम क्या मेरा? मैम 12th. अच्छा 12th की टीचर हूं, बेड़ा घर को. नाम क्या मेरा? साक्षी. साक्षी मैम. पूरा नाम बता. मेरा नाम में मैम नहीं आता भाई, पूरा नाम बता. मिस साक्षी मधुसूद. साक्षी एम सूद. तेरे को वो नाम कैसे बता रहे हरीश? आपने खुद भी तो बताया था एम तो नहीं बोला था? बोला था एम का मीनिंग आपने. अच्छा अच्छा, ये इसको याद है,
इस भाई को ये याद है लेकिन इसको पीछे का टॉपिक याद नहीं है. हे भगवान क्या होगा देश का, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है. कौन सी कौन से प्लेनेट पे हो मैम? अर्थ में. ऑब्वियस ऑब्वियस है. अच्छा वैसे तो ये भी ऑब्वियस था ना, हाइपोथैलेमस था. ऑब्वियस की बात तो मत कर मेरे से. बायोलॉजी में कितने चैप्टर है 12th ग्रेड में? अप्रोक्सीमेटली 63. अप्रोक्सीमेटली नहीं चाहिए मुझे, पूरा बता. एक मिनट देख के बताते हैं. रहने दे भाई रहने दे, एक सदी लगेगी तुझे तो रहने दे. ये कितनी उंगलियां हैं मैम? 16 चैप्टर है, मैंने सही तो बोला. अच्छा ये कितनी उंगलियां? 5. 5 बेड़ा गर्क तुम्हारा अंगूठा है भाई, ये उंगलियां तो चाहती थी मैम. प्लीज बहुत फनी क्वेश्चन सुना है पहले भी. पहले भी सुना फिर भी गलत आंसर दिया है. मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी भाई, इस जवाब के बाद नहीं पढ़ा पाऊंगी मैं. इंसान ने से विश्वास उड़ गया मेरा. हे भगवान कहां आग की आवाज आ रही. तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, ऊपर से ये मेरा बच्चा कुछ दिमाग खा गया. ऑब्वियसली ऑब्वियस नहीं था अभी कि ये अंगूठा है और ये उंगलियां है. मैम पर पार्ट तो वो भी हैंड का ही है, उसको भी एज ए फिंगर ही काम कर सकते हैं. ओ ऐसे तो सारे प्लेनेट एक ही मिल्की वे गैलेक्सी में आ रहे, सारे प्लेनेट को एक ही काउंट कर ले. वो तो पॉसिबल ही ना. अच्छा अच्छा ये पॉसिबल है ना. यस मैम बोल दे. यस मैम यस मैम. ओ भाई भाई साहब हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलते हैं, पिट्यूटरी में जाते हैं. पिट्यूटरी कहते भाई तू भी हार्मोन रिलीज कर क्योंकि इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, तुम्हारे हार्मोन नहीं रिलीज हो रहे भाई ब्रेन से. फिर ये जाते हैं टेस्टिस में, तो सारे हार्मोनल कनेक्शन जो हमने पढ़ने हैं ना वो इनके बीच में पढ़ने हैं. गलती से पीनस में हार्मोन मत भेज देना, हद हो जाएगी. तीन स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं, आज नहीं पढ़े. आज तो वैसे भी नहीं पढ़ पा रहे ना पूरा. आज तो तुम ना सुरूर में हो, मेरा भी खराब कर रहे हो. पहले बस पिट्यूटरी और टेस्टिस में बना देती है टेस्टिस. भाई तुम पता नहीं क्या लिख दोगे उसको, फिर बोलेंगे मैम आपने ही ऐसे कहा क्या. लिख ले भाई इनका कनेक्शन है. तो गैमेटोजेनेसिस होता कब है? प्यूबर्टी में ब्रेन से हार्मोन निकलते हैं जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इसने डायरेक्टली बोल दिया. तीनों हार्मोन का अलग अलग नाम आएंगे पर चलो कोई ना, आगे पढ़ेंगे वो. तो गैमेटोजेनेसिस में प्यूबर्टी में हार्मोन रिलीज करते हैं, वो टेस्टिस पे जाते हैं और टेस्टिस से बोलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर. बेटा टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में कौन रिलीज करता है? यस मैम. खंजर का है, खंजर. आज ही जान दूंगी मैं इसकी हिम्मत. देखो लास्ट में समझ नहीं आया आपने बोला क्या ना, लास्ट पॉइंट क्या पूछ रहे थे आप? कि टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज करता है? लास्ट से पहले क्या पी के आए हो? जो भी पी के आयो खा के आयो मत आना दोबारा. देखो ऐसे तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं गुस्से से तुम्हें डांटू लेकिन मुझे मेरे हालातों पे हंसी आ रही है कि तुमने टॉपिक स्टार्ट भी नहीं होने दिया. नलायक को तुमको बेसिक क्वेश्चन याद नहीं है. अबे कितने सेल थे टेस्टीज में ये बता दे बेटा. जल्दी बता. ये लेक्चर ही खत्म होता है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे. जब तुमने मैं बता दूं कितने सेल्स थे मैम, बता दो कितने. ये सेल और थे बहुत बढ़िया, तेरा जितना मन करे उतने सेल बना दे. मैम 3 होने चाहिए. होते हैं लेक्चर में मैंने बकायदा क्वेश्चन करा के समझाया था
कि हाय बेचारे बच्चे भूल ना जाए, लेकिन तुम्हारी भूलने की कैपेसिटी तो आमिर खान से ज्यादा बढ़िया है, वो फिर भी 15 मिनट याद रखता था। तीन होते हैं, अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। तुम्हारे तुरंत जो मन करता उतना नंबर ऑफ सेल कर, मैं नहीं पढ़ाऊंगी इसके आगे, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी इसके आगे, इतनी साइंस नहीं आती मुझे, नहीं नहीं इतनी साइंस नहीं आती। सिमरन कह रही है टू बेटा वन, कोई जीरो बोल दो, बोल दो नेगेटिव होते हैं, ये नेगेटिव रहेगा, प्लीज प्लीज, एक बच्चा तो नेगेटिव बनता है। कोई ना, आज तुम सस्पेंस में ही जाओ कि सेल कितने होते हैं, खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा नहीं तो बिना बड़े क्लास में आके मेरा दिमाग खराब कर सकते हैं। पढ़ा था, पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा जो आपने होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए, वो आंसर तेरे से हुए नहीं, वो तूने पढ़ा था है? क्लास वर्क उससे रिवाइज हुआ नहीं, वो तुमने पढ़ा था। ये बेचारा अकेला नहीं है, तुम सब भाग्यदार हो, ऐसे ज्यादा नहीं हो पढ़ा भाई साहब। आठ, गजब गजब, तुमने हद ही वार कर दी, सारे बस ठीक है, लेकिन तुमने हद बात कर दी। जा बेटा जा, तू सो जा, तू रहने ही दे, ये बता दो किसके रहने दे रहते हो, तुम जाओ आज, तुम सो भाई। मैम कितने सेल्स होते हैं, बता दो। मैम थ्री तो सेल्स, थ्री होने चाहिए मैम, थ्री होते हैं। रोहिला, तमन्ना, मैम शालिनी, शैलजा, शालिनी आया नाम अभी, रुक जा माँ मेरी। सिमरन, मैम मेरी कल भी नहीं लगी थी। अच्छा सिमरन, सिमरन तुम कहाँ रहती हो भाई, तुम्हारी आवाज हमेशा गूंजती है, कौन से टोम में रह रही हो, इतनी आवाज कैसे गूंजती है, किसी किले से लेती होगी लेक्चर, मैं कोई बुला ले साथ में बैठेंगे। शगुन, शगुन कह रही क्या पढ़ने की जरूरत है, जो आ रहे वो नहीं पढ़ रहे। अनमोल, यस मैम। अनमोल वचन कभी बोल लिया कर। नेहा, नहीं नेहा नहीं आएगी। महक, चीतन कल तो बहुत बोली थी, आज आई नहीं। मोहिनी, मोहिनी तो आई है, यस मैम, थोड़ी देर से लगी अपनी मोहिनी आवाज में, गलत आंसर दे रही है लगातार, शाबाश। कशिश, थ्री सेल्स ही होते हैं, जर्म सेल्स, स्टोली सेल्स और दूसरे। ओ अच्छा, वो दूसरे सेल का नाम क्या है, तीसरे सेल को दूसरा बोल रहा है, सेल का नाम बता दे, देख ले कोई बातें, देख ले पूरे जीवन पड़ा है। कशिश, कशिश ने भी छोड़ दिया लगता है किसी को। अजय, यस मैम। वंशिका, शालिनी, वो दे नहीं रही है, वो चुप हो गया, अब नहीं आवाज आएगी उसको मेरी। और कोई बच्चा जो नया आया हो ऑनर क्लास का दर्शन करने, कोई बच्चा जिसकी अटेंडेंस रह गई हो। मैम थ्री सेल्स ही होते हैं, एक पुलिस सेल्स, एक जर्म सेल्स और तीसरे का नाम चैट बॉक्स में भेजा है। लेडिक सेल्स, तुझे बोलने में क्या दिक्कत है, बोल के बता, मैंने पढ़ना ही नहीं, बोल के बता। मिस्टेक हो जाएंगे कई बार, तो क्या हो गया, बोल के बता, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, तेरे को जरम नहीं आ रही। लेडिक सेल्स, राइट, लेडिक सेल्स, यस, तो लेडिक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करते हैं ना, तुम क्या मौत पड़ रही है तुमको बोलने में। कंफ्यूज थे तो मेरा, हमने तो राइट बोला था।